नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 28 मार्च को न्यूज़पेपर में खबर आती है कि जीन ड्रेस साहब, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जीन ड्रेस साहब, उनको झारखंड पुलिस ने डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उन पे इलीगल मीटिंग का आरोप लगा हुआ है। मीटिंग में जो मुद्दा था वो राइट टू फूड की बात कर रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे राइट टू फूड क्या है, जीन ड्रेस साहब कौन है, इनके बारे में छोटा सा एक बैकग्राउंड लेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू फूड क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम पूरा कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, यूपी पीसीएस के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलता है, साथ में स्टडी मटेरियल मिलता है और आपके टेस्ट हो जाते हैं। कोर्स की फीस मात्र 500 रुपीज पर मंथ की फीस है। 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जीन ड्रेस साहब के बारे में छोटा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जीन ड्रेस साहब बेल्जियम के बहुत ही इज्जतदार फैमिली के वंशज हैं। उनके फादर और उनके भाई दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी पढ़ाई जो हुई वो लंदन के एसेक्स यूनिवर्सिटी में हुई है, लेकिन 1970s में ये इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में रह के पढ़ाई भी करते हैं और उसके बाद 1978 के बाद से ये इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया की अब सिटीजनशिप ले ली है उन्होंने। इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत महारत हैं। गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के लिए लिखते हैं। अपनी ये वाइफ के साथ जो कि इंडियन है, बेला है, और जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी वाइफ के साथ ये एक कमरे के घर में, एक किसी दिल्ली की एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ये। तो ये गरीबों के साथ रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और उनके लिए लिखते भी हैं। कई किताबें इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। इन्होंने बड़े बड़े राइटर्स के साथ में मिलकर किताबें लिखी हैं। जो इनकी किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन, जो उन्होंने अमर्त्य सेन के साथ ही लिखी है। यूपी पीसीएस में जो लोग सोशल वर्क सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये किताब आप पढ़ें। इस किताब में आपको बांग्लादेश के केस स्टडीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है या सोशल सेक्टर में कैसे बांग्लादेश ने राइज किया, काम किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने केस स्टडी ली है, जो आपके आंसर्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। कई किताबें की दूसरी भी हैं, जैसे कि सेंस एंड सॉलिडिटी में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंडियन डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ये बड़ी फेमस किताबें इनकी रही हैं। आप कोई भी किताब इनकी एक पढ़ सकते हो। जीन ड्रेस साहब के बारे में ये भी है कि इन्होंने राइट टू फूड के मुहिम में शामिल हैं। ये क्या होता है राइट टू फूड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम शब्दों को पकड़े, राइट टू फूड का मतलब होगा कि खाने का अधिकार, ठीक। अब यहाँ पे खाने का अधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ जो भूखा आदमी है उसको सिर्फ खाना दे देना ही अधिकार नहीं है, या जिम्मेदारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। कोई आदमी भूख से मर रहा है, उसको हमने खाना प्रोवाइड कर दिया, बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, बात इससे आगे की है। इसका मतलब है खाना तो आपको देना ही देना है, बट उस खाने की हाई कैलोरीज होनी चाहिए, मतलब कि जो खाना किसी व्यक्ति को मिलता है तो हाई कैलोरीज में हो, जिसके उसका पूरा पोषण हो सके, उसको मैल न्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण का शिकार ना रहे, उसको हाई पोषण मिले, अच्छा पोषण मिले, साथ में उसको सेफ्टी और डिग्निटी मिले, ठीक है। खाना मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिले, साथ में सुरक्षा और स्वाभिमान भी मिले, जो बहुत जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को जो मर्ज करता है उसे कहते हैं राइट टू फूड। राइट टू फूड की बात यहाँ पे कहते हैं। शुरुआत इसकी हुई थी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यहाँ से चीज़ चलती हैं। बाकी दुनिया के देशों ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, अपने अपने स्तर पे बात कर रहे हैं, सरकारों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि राइट टू फूड की उसको कानून बनाया जाए। और इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है, मतलब खाने के साथ तो है ये कि आपको खाना देना है और हाई न्यूट्रिशन वाला खाना देना है, डिग्निटी के साथ खाना देना है, ये तो है ही, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही गई है कि बात सिर्फ यहाँ पे खाना दे देने की नहीं है, बात यहाँ पे आती कहना है कि सरकार का काम सिर्फ खाना, हाई कैलोरी खाना पहुँचाना नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि वो लोगों तक भी खाना पहुँचाना है जो लोग चाहते हुए भी उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है, प्रिजनर है, कैदी है, उसको भी उतना ही हक होगा अच्छा खाना खाने का जितना कोई बाहर बैठा रेस्टोरेंट में खाता है। तो जेल में व्यक्ति जो है उनको खाना मिले, डिग्निटी के साथ खाना मिले। कोई व्यक्ति मान लीजिए बाढ़ में फंस गया है, कोई व्यक्ति भूकंप में फंस गया, तो उसको भी हाई क्वालिटी खाना मुहैया कराया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति युद्ध में फंस गया है,
युद्ध हो गया है और व्यक्ति फंस गए हैं, तो उसको भी हाई क्वालिटी खाना, हाई कैलोरीज वाला खाना विथ डिग्निटी उसको भी मिलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, इसमें बात कही गई है कि हर किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो बुरी परिस्थिति हो, उसके कंट्रोल में हो ना कंट्रोल में हो, ठीक है, जेल में हो जेल के बाहर हो, हर परिस्थिति में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और साथ में ये लीगल जिम्मेदारी कहते हैं, ठीक है, वैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उसे हाई क्वालिटी हाई न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करे, जिससे कि उसका जो डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि उसका विकास हो सके, क्योंकि ये 2 बिलियन से ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन ग्रसित हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। अब कोई व्यक्ति है जिस जो मेंटल लेवल से मैच्योर नहीं हो पाया या फिजिकली उतना मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। तो राइट टू फूड का एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। एक दो दोस्तों केस स्टडीज भी हैं जिसमें ये राइट टू फूड की बात कही गई है कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दोस कॉन्वेंट एंड दीज प्रोविजंस आर बाइंडिंग। ये इंडिया ने साइन किया और ये बाइंडिंग है, और ये केस स्टडीज में कई बार आया भी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन चमेली सिंह वर्सेज यूपी, ये केस है, इसमें ये बात कही गई राइट टू फूड की। प्रीलेस जर्नल फाइनेंस वर्सेज आरबीआई, कपिला हिंगोरानी वर्सेस बिहार, सीईएससी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, पीजी गुप्ता वर्सेस गुजरात एंड सेवरल अदर जजमेंट में ये बात राइट टू फूड की बात कही गई है। तो सोशल वर्क जो सब्जेक्ट लेते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं अपने आंसर में, GS3 में आप इसको लिख सकते हो, ये खासकर जो ये केस जो जजमेंट आए हैं इनको आप लिख सकते हो, खासकर GS3 जो हमारा मेंस का है उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा बेसिक राइट टू फूड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कुछ अगर और प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।